आज मैं कहने आया हूं कि हम सब ने एक संकल्प करना है कि दिल्ली का चुनाव इस संगठन के आधार पर जीतना है, पेज प्रमुख के आधार पर जीतना है, बूथ अध्यक्ष के आधार पर जीतना है। मोदी जी आएंगे, सभाएं करेंगे, किरण जी भी अब आ गई है, वो रोड शो करेगी, सभाएं करेगी, लोगों को जो बात करनी है वो करेगी, मगर मेरा और आपका काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है कि लोक संपर्क कर एक नई मैकेनिज्म बनाकर चुनाव को जीतना, वो मैकेनिज्म को स्थायित्व देना और आने वाले 25 साल तक दिल्ली के अंदर एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई न जीत सके, ऐसा एक संगठन। भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, ये संगठन के आधार पर चुनाव। ये व्यवस्था चुनावी राजनीति में, चुनाव के रणनीति में और चुनाव के इतिहास में कोई नई व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत छोटी उम्र से इस चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैंने कई चुनाव देखे, कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव लड़े भी, मगर ये चुनाव हम एक अलग तरीके से मित्रों लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने रामलाल जी को निवेदन किया था कि सातों विधानसभा में सभी बूथ अध्यक्षों से मैं खुद बात करना चाहता हूं। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण और बदलाव लाने वाला चुनाव सिद्ध होने वाला है। एक चुनौती दी, सो कॉल्ड जनता दल, जनता परिवार इकट्ठा हुआ है। ये जनता परिवार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान नहीं है, क्योंकि इसमें से जनता निकल गई है, सिर्फ परिवार रह गया है। मगर एक हवा खड़ा किया है और मैं मानता हूं कि मोदी जी के विकास का एजेंडा अगर सबसे ज्यादा कहीं पर अप्लाई होता है, सबसे ज्यादा मतदाताओं को आकर्षित करता है और सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में जरूर है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों को अच्छा शासन देने वाली, एक कल्याण राज्य देने वाली, एक वेलफेयर स्टेट देने वाली सरकार बनाने का काम।